तो हेलो गाइज, ये जो है ये अपनी पार्ट टू वीडियो है एक्चुअली में स्कैल्प के ऊपर, जिसके अंदर अपन पूरे स्कैल्प का ब्लड सप्लाई एंड नर्व सप्लाई देखेंगे। और अपन इसकी पार्ट वन वीडियो में जो है पूरा स्कैल्प की जो पांचों लेयर होती है ना, उन पांचों लेयर को पहले ही डिटेल में देख चुके हैं। तो अगर आपने मेरी इसकी पार्ट वन वीडियो नहीं देखी है तो लिंक आपको आई बटन पर मिल जाएगा, आप इसकी पार्ट वन वीडियो भी देख लीजिए। तो आज अगर अपन इसके ब्लड सप्लाई पर पहले देखें, इसका आर्टरी सप्लाई, तो क्या आपको सिर्फ इसके नाम याद करने हैं? मतलब मेनली इसके आर्टरी सप्लाई में कौन कौन सी आर्टरी अपने स्कैल्प को सप्लाई करती हैं, उनके सिर्फ आपको नाम याद करने हैं, और वो किसके ब्रांचेस हैं, आपको सिर्फ दो चीज़ें इसके अंदर याद करनी है। तो कुल मिला के जो स्कैल्प का जो आर्टरी सप्लाई है ना, वो अपनी पाँच आर्टरी मेनली स्कैल्प को सप्लाई करती हैं। सबसे पहले ये पिन्ना के आगे जितना भी स्कैल्प है ना, वो है अपना स्कैल्प का इंटीरियर पार्ट, और पिन्ना के पीछे वाला अपना है पोस्टीरियर पार्ट। तो इसके फ्रंट में स्कैल्प के आगे वाले पार्ट को जो है अपनी तीन आर्टरी मेनली जो है सप्लाई करती हैं। एक अपनी होती है सुप्रा ट्रोक्लियर आर्टरी, दूसरी है अपनी सुप्रा ऑर्बिटल आर्टरी। अपन जानते ही हैं इधर क्या प्रेजेंट होता है, फ्रंट में अपना प्रेजेंट होता है बोनी ऑर्बिट, जिसमें अपनी प्रेजेंट होती है आई। तो उसके ऊपर आपकी एक आर्टरी होगी, इसलिए इसका नाम है सुप्रा ऑर्बिटल आर्टरी। देन यहाँ पे एक आर्टरी है, वो है सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी। यहाँ पे अपनी टेम्पोरल बोन है, उसके सुपरफिशियल में ये आर्टरी है, तो ये है सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी। तो ये तीन आर्टरी अपने स्कैल्प का फ्रंट वाला पार्ट जो है सप्लाई करती हैं। देन स्कैल्प का पोस्टीरियर वाला पार्ट अपना दो आर्टरी मेनली सप्लाई करती हैं। एक अपनी होती है पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरी। अब ऑरिकुलर का मतलब ही होता है ईयर, यहाँ पर अपना ईयर के पीछे है, इसलिए इसका नाम है पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरी। देन पीछे की साइड ही अपनी प्रेजेंट रहती है ऑक्सीपिटल बोन, देने लास्ट आर्टरी का नाम है ऑक्सीपिटल आर्टरी। तो ये दो आर्टरी मेनली इसका पोस्टीरियर पार्ट सप्लाई करेंगी। उसके अलावा मैं अब आपको इसको बताता हूँ ब्रांचेस। तो आपको क्या करना है कि सिर्फ दो आर्टरी की ब्रांच याद करनी है। एक्चुअली में जो सुप्रा ट्रोक्लियर और सुप्रा ऑर्बिटल, ये दोनों आर्टरी जो है वो अपनी ब्रांच होती हैं इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की। बाकी की जो रेस्ट तीन आर्टरी है ना, वो अपनी ब्रांच है एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की। तो बस आप क्या करो, ये पांचों का नाम याद अपन ने कर लिए। देन आप बोलना है शुरू की दो आर्टरी अपनी ब्रांच है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की, देन रेस्ट आप बोल देना वो अपनी होती है एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की। देन फिर मैं आपको क्या इसको याद करने के लिए एक जिंगल दे देता हूँ। तो इसकी याद करने की जिंगल अपनी है 3SPO। मैं साइड में भी लिख देता हूँ आपके लिए, तो ये है 3SPO। अब मेनली इसके अंदर क्या है, 3S से अपना हो जाएगा एक S है सुप्रा ट्रोक्लियर, दूसरा S है सुप्रा ऑर्बिटल, देन थर्ड S है अपना सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी के लिए, तो ये है 3S। देन P से आप कर देना पोस्टीरियर ऑरिकुलर, और ओ से आप कर देना ऑक्सीपिटल आर्टरी। अब आपका फर्स्ट टाइम थोड़ा सुन रहे होंगे ना, तो थोड़ा लेंदी लगता है, लेकिन एक दो बार में सारे इसके नाम आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। देन अब अपन देखते हैं इसका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है किस तरीके से ड्रेन होता है। तो मेनली अब अपन इसका देखते हैं वीनस ड्रेनेज। तो मेनली जो इसका वीनस ड्रेनेज जो है वो आपकी चार आर्टरीज के कारण होता है। एक अपनी होगी सुप्रा ट्रोक्लियर एंड सुप्रा ऑर्बिटल वेन, फिर सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन, फिर पोस्टीरियर ऑरिकुलर वेन, उसके अलावा यहाँ पर प्रेजेंट होती है ऑक्सीपिटल वेन। तो ये सारी वेन्स को जो है अपन बोलते हैं एक्स्ट्रा करेनियल वेन्स। अच्छे से याद कर लेना, मेनली करेनियम का मतलब होता है अपनी शल्क बोन। तो ये वेन जो है अपने शल्क बोन के आउटसाइड प्रेजेंट रहती हैं, इसलिए अपन इसको बोलते हैं तो ये सारी वेन जो है आप अच्छे से याद कर लेना, इसको अपन बोलते हैं एक्सटर्नल करेनियल वेन। मेनली करेनियम का मतलब ही होता है अपनी शल्क बोन, क्योंकि ये शल्क बोन के जो है बाहर प्रेजेंट रहती हैं। उसके अलावा शल्क बोन के अंदर आपका प्रेजेंट होता है इंटरनल करेनियल ड्यूरनल साइनसेस। पूरा अपन जानते हैं जो ब्रेन की जो लाइनिंग होती है उसको अपन कहते हैं मेनिंजाइटिस। जो ब्रेन की जो लाइनिंग है वो एक्चुअली में तीन लेयर की होती है, एक ड्यूरा मैटर, दूसरा अरेक्नॉइड मैटर, तीसरा पाया मैटर। ये अपन नीट में बेसिकली पढ़ते हैं। तो उसके ड्यूरा मैटर के अंदर जो है पूरा वेन्स का एक साइनसिस होता है।
तो उसी का नाम होता है इंटरनल करेनियल वीनस साइनसेस। मैं आपको 3D में भी दिखा देता हूँ एक बार। तो अब अगर आप मेरे 3D मॉडल में देखो तो आपको क्लियरली दिख पा रहा होगा, ये अपनी पूरी है शल्क बोन। देन उसके अंदर अपनी ये जो पूरी वेन्स है ना, मैं आपको क्या सब हटा के वेन्स अगला सेपरेट करता हूँ। इस पूरे वेन्स को अपन बोलते हैं इंटरनल करेनियल ड्यूरनल वेनस साइनसेस, क्योंकि मेनली अपने ये ड्यूरा मैटर जो होती है ना अपनी फर्स्ट लेयर ब्रेन की, उसके अंदर रिप्रेजेंट रहता है। यार ये एक्चुअली में क्या एक पूरा सेपरेट टॉपिक होता है। अभी समझाने के लिए मैंने आपको इसका बेसिक नॉलेज दे दिया, लेकिन इसके ऊपर पूरी डिटेल से वीडियो जो है वो भी मैं आपको जल्द आई बटन पे डाल दूंगा। तो एक्चुअली में क्या रहता है, ये चारों वेन मेनली अपना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो स्कैल्प से ले लेती हैं। उसके अलावा यहाँ पे दो और वेन्स प्रेजेंट होती है, उसे अपन बोलते हैं इमेजरी वेन्स। अभी जो इमेजरी वेन जो है वो एक्चुअली में अपने एक्स्ट्रा करेनियल वेन को, मतलब शल्क के बाहर वाली वेन्स को, और शल्क के अंदर वाली वेन्स को, इंटरनल करेनियल वेन्स को जो है कनेक्ट करने का काम करती हैं, इसलिए अपन इसको बोलते हैं इमेजिनरी वेन्स। तो अपन को क्या ये चारों वेन्स को डिटेल में पढ़ने के बाद इमेजिनरी वेन भी देखना पड़ेगा। तो मैं आपको क्या करता हूँ, इसको मेनली ड्रॉ करके बताता हूँ सारे वेन्स को। और एक्चुअली में क्या होता है, इसका जो वेन्स वाला पार्ट है ना वही थोड़ा सा टेक्निकल रहता है, तो इसको आप ध्यान से समझना, मैं आपको पूरा डिटेल में अच्छे से बता दूंगा। तो अब अगर आप यहाँ पे देखो तो ये है अपना इंटरनल जुगलर वेन और ये है अपना एक्सटर्नल जुगलर वेन। तो एक्चुअली में क्या होता है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना वो अपना हार्ट से टिशू की तरफ जाती है, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अपना टिशू से जो है हार्ट की तरफ आती है। तो अपन क्या ऊपर से इसको बनाना शुरू करते हैं वेन्स को। तो सबसे पहले बताऊं, अपने जस्ट फ्रंट में अपनी प्रेजेंट रहती हैं दो वेन्स। एक वेन का नाम है अपना सुप्रा ट्रॉक्लियर वेन, दूसरी अपनी सुप्रा ऑर्बिटल वेन। ये कुछ इस तरीके से प्रेजेंट होती हैं, मैं आपको यहाँ पे लेवल भी कर देता हूँ। तो ये दोनों वेन्स, ये अपने सुप्रा ट्रॉक्लियर एंड सुप्रा ऑर्बिटल वेन, ये दोनों वेन मिलके आपकी बना लेती हैं एक एंगुलर वेन। तो इसको अपन बोलने लगते हैं अब एंगुलर वेन, मैं ये भी लिखता हूं आपके लिए। देन ये जो एंगुलर वेन है ना, यही आगे जाके इसे ही अपन बोलने लगते हैं फेशियल वेन, तो ये भी लिखता हूं मैं आपके लिए, ये है अपनी फेशियल वेन। देन अब ये फेशियल वेन क्या करती है, आपकी एक ब्रांच देती है, उसे अपन बोलते हैं डीप फेशियल वेन, कुछ इस तरीके से। तो ये डीप फेशियल वेन देने के बाद इसी फेशियल वेन को अपन बोलने लगते हैं कॉमन फेशियल वेन। ये जो है ना, ये है अपनी कॉमन फेशियल वेन, और ये कॉमन फेशियल वेन जो है ये अल्टीमेटली अपना इन्फीरियर जुगलर वेन है ना, उसमें जाके सारा ब्लड अपना ड्रेन कर देती है। तो मैं आपको फिर से बताता हूँ, सबसे पहले अपनी होती है सुप्रा ट्रॉक्लियर और सुप्रा ऑर्बिटल वेन, वो दोनों वेन जुड़ेंगी और अपना एक बना लेंगे एंगुलर वेन। देन इसी एंगुलर वेन को नीचे की साइड अपन बोलेंगे फेशियल वेन। देन ये फेशियल वेन आपका देगी एक डीप फेशियल वेन, ये जो है ये एक्चुअली में अपनी है डीप फेशियल वेन, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ये है डीप फेशियल वेन। देन डीप फेशियल वेन देने के बाद इसे ही अपन बोलने लगते हैं कॉमन फेशियल वेन, और ये कॉमन फेशियल वेन अल्टीमेटली अपना ड्रेन करेगी इंटरनल जुगलर वेन में। तो इस तरीके से इसका होता है फ्रंट का पार्ट। देन पोस्टीरियर में कान के पीछे एक वेन होती है, उसे अपन बोलते हैं पोस्टीरियर ऑरिकुलर वेन, इसके नाम से भी समझ में आ रहा है। और ये पोस्टीरियर ऑरिकुलर वेन अपनी जाके ड्रेन होगी एक्सटर्नल जुगलर वेन में, मैं आपके लिए यहाँ लिख भी देता हूँ। अब एक्चुअली में क्या होता है, अपना यहाँ पे कान के जस्ट आगे फ्रंट में आपकी एक वेन होती है, उसे अपन बोलते हैं सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन। यहाँ पे एक्चुअली में कौन सी बोन रहती है, इधर अपनी बोन रहती है टेम्पोरल बोन, तो इसलिए इस वेन का नाम है सुपरफिशियल टेम्पोरल बोन।
और जस्ट यहाँ पे माउथ के ऊपर वाले पार्ट को अपन बोलते हैं मैक्सिला, तो उसे एक मैक्सिला के लिए भी बोन मत तो उसे एक मैक्सिला के लिए भी वेन होती है, वो है अपनी मैक्सिलरी वेन। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ, लिख देता हूँ, तो ये है अपना सुपरफिशियल टेम्पोरल, और ये वाली जो है ये एक्चुअली में अपनी है मैक्सिलरी वेन। देन ये दोनों की दोनों जब अपना सुपरफिशियल टेम्पोरल और मैक्सिलरी वेन दोनों ज्वाइन होके फिर आपकी ये वाली जो वेन बनाती है ना, इसे अपन बोलने लगते हैं रेट्रो मैंडिबुलर वेन। और अब आपका थोड़े से अब आपको क्या स्ट्रेस में आ गए होंगे, तो यार ये बहुत ज़्यादा इजी है एक्चुअली। मैं फर्स्ट टाइम सुन रहे हो ना, तो थोड़ा आपको एक टेक्निकल लग रहा होगा, लेकिन रियलिटी में ये बहुत ईजी है। जब आप खुद एक दो बार उसको बना लोगे ना, तो सारे नाम आपको अच्छे से याद हो जाएंगे, ठीक है। तो ये मैंने बताया था, ये है सुपरफिशियल टेम्पोरल और ये है मैक्सिलरी। ये दोनों वेन अपना मिलके बना रही है रेट्रो मैंडिबुलर वेन। मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ, ये नीचे की साइड लिखता हूँ तो आपको अच्छे से दिखेगा, रेट्रो मैंडिबुलर वेन। देन ये रेट्रो मैंडिबुलर वेन जो है ये अपना देखिए दो डिवीजन। अब ये क्या, ये वाली वेन खेल जाती है मेनली। अपन ने देखा ये पूरा फेशियल वेन का पार्ट अपना जा रहा है इंटरनल जुगुलर वेन में, वहीं पोस्टीरियर ऑरिकुलर वाले का पार्ट अपना जाएगा एक्सटर्नल जुगुलर वेन में। लेकिन ये रेट्रोमैंडिबुलर, ये कान के जो सामने वाला बोलता है भाई, और इस रेट्रोमैंडिबुलर वेन जो है ये वाली अपनी खेल जाती है, ये बोलेगी मैं दोनों में जाऊंगा। तो इस दोनों में जाने के लिए वो दो डिवीजन देगी, एक पोस्टीरियर डिवीजन, पोस्टीरियर डिवीजन अपनी चली जाएगी पोस्टीरियर ऑरिकुलर वेन में, और ये अल्टीमेटली अपना चला जाएगा एक्सटर्नल जुगुलर वेन में। वहीं ये आपका देगा एक इंटीरियर डिवीजन, और ये इंटीरियर डिवीजन जो है वो अपना चला जाएगा कॉमन फेशियल वेन में। तो ये कुछ इस तरीके से सारा का सारा इसका जो है वो अपना होता है वीनस ड्रेनेज। और आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा क्योंकि मैंने आपको क्या है बिल्कुल ड्रॉ करके बताया। तो यहाँ पे जितने भी वेन्स जो लिखी है ना आपने, सुप्रा ट्रॉकलियर और सुप्रा ऑर्बिटल, यहाँ पे ये लिखा है वो दोनों ज्वाइन होंगी और आपकी बना लेंगी ये एंगुलर वेन। देन ये एंगुलर वेन आपकी आगे जाके बना रही थी ना फेशियल वेन। उसके अलावा ये सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन के बारे में क्या लिखा है कि वो ज्वाइन होती है अपनी मैक्सिलरी वेन से और फॉर्म करेंगे अपनी रेट्रोमैंडिबुलर वेन। अगर आप यहाँ पे देखो भी, यहाँ पे भी यही हुआ था, सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन अपना मैक्सिलरी वेन से ज्वाइन होके अपनी बना रही थी रेट्रोमैंडिबुलर वेन, और रेट्रोमैंडिबुलर वेन फिर दो पार्ट्स में डिवाइड हो रही थी, एक पोस्टीरियर और एक इंटीरियर डिवीजन में। वहीं अपन देखें पोस्टीरियर ऑरिकुलर वेन में, तो यहाँ पे यही लिखा है इट डिसेंड बिहाइंड ऑरिकुलर, ये अपने कान के पीछे से डिसेंड होती है एंड यूनाइट विथ पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ रेट्रोमैंडिबुलर वेन। रेट्रोमैंडिबुलर वेन के पोस्टीरियर डिवीजन के साथ ये हो जाएगी यूनाइट, ये जुड़ जाती है और अल्टीमेटली ड्रेन होगी एक्सटर्नल जुगुलर वेन में। फिर यहाँ पे आपका एक ऑक्सीपिटल वेन भी होती है, वो एक्चुअली में अपनी टर्मिनेट होती है सब ऑक्सीपिटल वीनस प्लेक्सस से। उसके अलावा मैंने आपको ये इमेजिनरी वेन की डेफिनेशन तो पहले ही बता दी थी, वेन कनेक्टेड वेन आउटसाइड द करेनियम, जो अपनी शल्क बोन है उसे करेनियम भी बोलते हैं, जो शल्क बोन के आउटसाइड जितनी भी वेन्स को अपनी शल्क बोन के अंदर, जो मैंने आपको 3D में दिखाया था, इंट्रा करेनियल वेन से जो जोड़ता है उसे अपन बोलते हैं इमेजिनरी वेन्स। अब यहाँ पे जो है दो इमेजिनरी वेन अपनी प्रेजेंट होती हैं, एक है पैराइटल इमेजिनरी वेन, दूसरी है मेस्टो इमेजिनरी वेन। अब आपको यार सिर्फ इसके सिर्फ नाम नाम याद करने हैं, ज़्यादा इसमें लोड मत लेना, क्योंकि जब अपन अपना इंटरनल ड्यूनस, जब अपन इंटरनल वेनस साइनसिस पढ़ेंगे ना, तो सारे नाम तुम्हें अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, तो बस तुम्हें कैसे नाम नाम याद होना चाहिए अभी। तो जो पैराइटल इमेजिनरी वेन है ना, मेनली इसके नाम से समझ में आ रहा है पैराइटल, तो वो कहाँ से पास करेगा, वो अपना मेनली पास करेगा पैराइटल फोरामेन से, और वो अपना कम्युनिकेट करता है पोस्टेरियर सजाइटल साइनस से। अब आप कहीं याद कर लो कि क्या होता है, अपने जो बोन के अंदर, अपने जो शल्क बोन के अंदर जो वेन है ना, जिसको अपन इंटरनल करेनियल वेन्स बोलते हैं,
उसी का एक पार्ट होता है सुपीरियर सजाइटल साइनस। तो ये पैराइटल इमेजिनरी वेन जो है वो एक्चुअली में अपना सुपीरियर सजाइटल साइनस से कम्युनिकेट करती है और ये पास करेगी पैराइटल फोरामेन से। वैसे ही अपना एक रहता है मस्टर्ड इमेजिनरी वेन, ये मस्टर्ड इमेजिनरी वेन अपना कम्युनिकेट करेगी सिग्मोइड साइनस से और वो पास होती है मस्टर्ड फोरामेन से। तो आपको मेनली बस ये नाम इसके याद करने पड़ेंगे कि अपन एक्स्ट्रा करेनियल वेन्स को कौन कौन सी इंट्रा करेनियल वेन से जोड़ रहे हैं। एक है अपना सुपीरियर सजाइटल साइनस, दूसरा है सिग्मोइड साइनस, और वो कैसे जुड़ रही हैं, वो अपना जुड़ रही हैं पैराइटल एंड मस्टॉइड इमेजिनरी वेन से। ठीक है, उसके बाद अपन इसका लिम्फेटिक ड्रेनेज भी देख ही लेते हैं। तो एक्चुअली में इंटीरियर पार्ट का जितना भी लिम्फेटिक ड्रेनेज होता है ना, वो अपना ड्रेन हो जाता है प्री ऑरिकुलर लिम्फ नोड में। मैं अगर आपको डायग्राम भी दिखाऊं यहाँ पे, तो ये कान के आगे की साइड अपना रहेगा ना प्री ऑरिकुलर, ऑरिकल के पहले, तो यहाँ पे एक लिम्फ नोड प्रेजेंट होता है, उसे अपन बोलते हैं प्री ऑरिकुलर लिम्फ नोड। तो पूरा इंटीरियर पार्ट का जितना भी लिम्फ रहता है ना, वो अपना प्री ऑरिकुलर लिम्फ नोड में ड्रेन हो जाता है। वहीं पोस्टेरियर पार्ट का जितना भी अपना लिम्फ रहता है, वो अपना पोस्टेरियर ऑरिकुलर या फिर मस्टॉइड या फिर ऑक्सीपिटल लिम्फ नोड, एक्चुअली में इसी के ही नाम है, पोस्टेरियर साइड में अपना ऑक्सीपिटल बोन भी प्रेजेंट रहती है ना, इसलिए अपन पोस्टेरियर ऑरिकुलर को ऑक्सीपिटल लिम्फ नोड भी बोलते हैं। तो वो अल्टीमेटली उसके अंदर ड्रेन कर देगा। फिर अपन देखते हैं इसका लास्ट पार्ट, वो है इसका नर्व सप्लाई। तो यार कुल मिला के जो स्कैल्प है ना, उसमें सबसे ज़्यादा अगर तुम्हें कहीं पे याद करना है ना, तो इसकी नर्व सप्लाई में ही करना है। तो कुल मिला के पूरे स्कैल्प को 10 नर्व जो हैं वो सप्लाई करती हैं। और मैं क्या तुम्हें इसको समझाऊंगा तो तुम्हें ज़्यादा टाइम तक याद रहेंगे, क्योंकि तुम क्या इसके डायरेक्ट नाम रटोगे ना तो तुम 2-1 दिन में भूल जाओगे। और मैं तुम्हें इसकी ट्रिक भी दे दूंगा याद करने की। तो एक्चुअली तुम यहाँ पे देखो क्या होता है, फ्रंट में जो अपना जितना भी स्कैल्प है ना, उसके फ्रंट में जो है 5 नर्व सप्लाई करती हैं उसे। मैं अगर आपको नाम बताऊं, सबसे पहले शुरू के जो 2 नाम है ना, वो बिल्कुल आर्टरी के 2 नाम के सिमिलर हैं। अगर तुम आर्टरी के नाम याद हैं तो शुरू के 2 नाम तो तुम्हें ऐसे याद हो जाएंगे। एक है अपना सुप्रा ऑर्बिटल नर्व, दूसरा है अपना सुप्रा ट्रॉक्लियर नर्व, ठीक है, ये अपन ने आर्टरी में भी देखे थे। उसके अलावा फिर एक ब्रांच होती है, थर्ड ब्रांच, उसे अपन बोलते हैं जाइगोमेटिको टेम्पोरल नर्व। एक्चुअली में यहाँ पे अपनी जाइगोमेटिक बोन भी रहती है और टेम्पोरल बोन भी रहती है, तो ये उन दोनों के बीच में नर्व होती है, इसलिए इसका नाम भी वही है जाइगोमेटिको टेम्पोरल नर्व। देन ये जो 4th नर्व है ना, वो एक्चुअली में अपनी है फेशियल नर्व, और फेशियल नर्व की एक ब्रांच होती है, उसे अपन बोलते हैं टेम्पोरल ब्रांच। तो ये 4th वाली अपनी है टेम्पोरल ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व। उसके अलावा ये 5th नर्व है ना, उसका नाम है ऑरिक्युलो टेम्पोरल नर्व, ये वाला। तो आपको सिर्फ ये 5 नाम याद करने पड़ते हैं। तो यार इसको मैं बताऊं, मैं आपको एक जिंगल देता हूं, मैंने तो इससे याद करी थी, वो था अपन ने जो सुप्रा ऑर्बिटल और जो सुप्रा ट्रॉक्लियर है ना, उसे आप बोलो सुपरमैन, तो मैं बोलूँगा सुपरमैन जैद। मेरा एक फ्रेंड था, उसका नाम था जैद, तो मैंने जैद से कर लिया था जैद, तो सुपरमैन जैद टाटा मैं यहाँ लिख देता हूँ। और ये मुझे पता है यार थोड़ा सा क्या है, अजीब रहती है, और जितना ये अजीब रहती है ना जिंगल, उतना ही है जल्दी याद होती है। तो अब आप देखो, मैंने यहाँ पे आपके लिए लिख दिया सुपरमैन, तो एस से कर देना सुपरा ऑर्बिटल और सुपरा ट्रॉक्लियर, जैद के जैद से तुम बोल देना जाइगोमेटिको टेम्पोरल नर्व, और एक टी से अपना हो जाएगा टेम्पोरल ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व, ठीक है। उसके अलावा ए से आप बोल देना ऑरिक्लो टेम्पोरल नर्व, तो ये शायद आपको जिंगल हेल्प करे। और क्या तुम अगर इसके डायरेक्ट नाम रटोगे ना, तो हो सकता है 2-1 दिन में कन्फ्यूज हो जाओ, लेकिन तुम अगर जिंगल साइड में लिख के फिर ही अगर तुम नाम 5 के 5 जो हैं तुम अच्छे से एग्जाम में लिख दोगे, क्योंकि बस अपन को हल्का सा एक वर्ड चाहिए रहता है शुरू का, उसके बाद क्लिक कर जाता है ऑटोमेटिकली, आपको ये क्लिक कर जाएगा। तो अब 5 नाम अच्छे से याद करना। देन फिर अपन देखते हैं पोस्टीरियर में,
यार पोस्टेरियर में मैं आपको बताऊं, मेनली पोस्टेरियर साइड में अपना क्या प्रेजेंट रहता है, अपना प्रेजेंट रहता है ऑक्सीपिटल बोन। तो आपको पोस्टेरियर की तीन नर्व जो है ऐसे याद हो जाएंगी, एक आप बोल देना ग्रेटर ऑक्सीपिटल नर्व, अब ग्रेटर है तो एक लेसर भी होगी, फिर आप बोलना लेसर ऑक्सीपिटल नर्व, देन ऑक्सीपिटल की ही एक होगी थर्ड, तो आप बोल देना थर्ड ऑक्सीपिटल नर्व। तो आपको बिल्कुल ये अपन को पता है पोस्टेरियर साइड में ऑक्सीपिटल बोन है, तो तीन नाम तो आपको ऐसे ही याद हो गए ऑक्सीपिटल का ही, ग्रेटर लेसर और थर्ड। उसके अलावा ये ऑरिकल, ये कान के पीछे है अपना पार्ट, तो इसमें एक प्रेजेंट होगी पोस्टेरियर ऑरिकुलर नर्व, ठीक है, और उसी एक ऑरिकुलर नर्व बोल देना, एक तो है पोस्टेरियर ऑरिकुलर नर्व और एक है अपनी ग्रेटर ऑरिकुलर नर्व। तो यहाँ पे अपनी ये पांच नर्व ये हो गई। तो बस आपको जो है सारी की सारी नर्व जो है ये अच्छे से याद हो जाएंगी, और तुम क्या इसको जितना ट्रिक्स में और रिलेट करके याद करने की कोशिश करोगे ना, उतना ज़्यादा तुम्हारे लिए बेनिफिशियल होगा डायरेक्ट रटने के, उसको रिलेट करके याद करो। अब उसके अलावा मैं आपको एक और कंसेप्ट बताता हूँ, एक्चुअली में क्या रहती हैं ये शुरू की जो पांच नव है ना, उनमें से चार नव अपनी होती है सेंसरी और एक नव अपनी होती है मोटार। अब आप बोलेंगे सेंसरी क्या है मोटार क्या है, तो मेन लिया सेंसरी का मतलब ही हो जाएगा जितने भी स्कैल्प का टेम्परेचर प्रेशर, मतलब जितना भी अपना सेंसरी सेंस जो है वो नव अपना टिश्यू से लेंगी और अपना ब्रेन तक पहुँचाएंगी कि यार उसको पेन हो रहा है, इसमें टेम्परेचर ज़्यादा है, इसको ठंड लग रही है। तो मेनली इसमें चार नव अपना सेंसरी होती हैं, और मोटर का मतलब है ब्रेन से अपने टिश्यू तक सिग्नल लाएंगी, तो वो मोटर है। तो यहाँ पे बस एक नव जो है मतलब कि टेम्पोरल ब्रांच ऑफ फेशियल नव जो है वो मोटर है, बाकी सारी अपनी जो है सेंसरी है। तो तुम क्या ज़्यादा इसमें दिमाग मत लगाना, सिर्फ एक नाम याद कर लो ये वाला कि जो फेशियल नर्व है ना यार वो मेरी मोटर है, बाकी रेस्ट वाली मैं बोल दूंगा सेंसरी। तो आपको क्या ये भी अच्छे से याद हो जाएगा। सिमिलरली जो पोस्टेरियर वाले पार्ट में भी यही होता है, अपनी चार सेंसरी हैं और एक मोटर है, तो यहाँ पे जो है पोस्टेरियर ऑरिकुलर नर्व जो है वो मोटर है। तो उसके लिए तुम जिंगल बना लो पीटी मोटर, पी से अपनी हो जाएगी पोस्टेरियर ऑरिकुलर नर्व और टी से अपना हो जाएगा टेम्पोरल ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व। तो ये पीटी जो है वो मोटर है, जो पीटी टीचर जो होते हैं ना वो मेरे लिए ऐसे ही होते हैं, वो मोटे टाइप के होते हैं, तो अपन ये बोलेंगे पीटी मोटर। तो ये अब आपको सारी चीज़ें मैंने बता दी, अब मैं मेरे जितने भी नोट्स हैं ना उसका स्क्रीनशॉट प्रोवाइड करता हूँ। और यार स्क्रीनशॉट में अच्छी क्वालिटी नहीं आया ना, तो तुम क्या करना मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे चले जाओ, वहाँ पे मैंने इसके लिए अलग से तुम्हें एक लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, तो उससे क्या तुम्हें मेरे सारे HD में नोट्स भी मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। मैं ये बताता हूँ यूनिवर्सिटी में किस तरीके से आ सकता है। तो यार एक्चुअली में क्या होता है ना कि वो डायरेक्ट तुमसे वेरी शॉर्ट में बोल देगा कि राइट द आर्टरी सप्लाई ऑफ स्कैल्प। तो अगर शॉर्ट में आता है ना तो तुम्हें ज़्यादा कुछ नहीं करना, शॉर्ट में जितना वो दो नंबर में पूछते ना उतना ही लिखना है। तो बस तुम सारे इसके नाम लिख के आ जाना अगर ये मानो वेरी शॉर्ट में आया दो नंबर में। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है अगर ये आपके पांच नंबर में शॉर्ट नोट में आता है कि राइट है शॉर्ट नोट ऑन आर्टरी सप्लाई ऑफ स्कैल्प, तो उसमें क्या करना है आपको, मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ, मेनली अपन लिखते हैं हेडिंग्स में और पॉइंट्स में। तो आप पहले हेडिंग डालोगे आर्टरी सप्लाई, फिर आप डालना इन फ्रंट, देन इन फ्रंट की ये सारे नाम और ये बिहाइंड के ये दोनों नाम आपको लिखने पड़ेंगे, और फिर किसकी ब्रांच है ना वो भी आपको दिखाना पड़ेगा। उसके बाद आप इसका लिखना वीनस ड्रेनेज, पूरा जितना मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ ना यार बिल्कुल वो क्वालिटी कंटेन है, ना ज़्यादा पड़ेगा ना कम पड़ेगा, तो आप पूरा इसका वीनस ड्रेनेज लिख देना। उसके अलावा एक ये वाला डायग्राम आपको शो करना पड़ेगा, अगर उसने नव नहीं बोला तो ये नव का पार्ट आप मत दिखाना, सिर्फ आर्टरी वाला पार्ट दिखा देना। उसके अलावा ये वेंस वाला जो डायग्राम है ना, ये दो आपको डायग्राम इसमें बना के आने पड़ेंगे, और ये मान लो पूरा लॉन्ग में आया राइट है लॉन्ग आंसर इन स्कैल्प, तो वो क्या आपको हेडिंग प्रोवाइड करेगा फिर।
मतलब लॉन्ग आंसर में क्या होता है, जब भी 10 नंबर में कोई भी क्वेश्चन आएगा ना, तो उसमें आपको हेडिंग प्रोवाइड करता है कि आप लेयर्स के बारे में लिखें, ब्लड सप्लाई के बारे में लिखो, नर्व सप्लाई के बारे में लिखो, और हर हेडिंग का अपना सेपरेट नंबर होगा। मान लो लेयर्स का 5 नंबर है, तो ऐसा नहीं है कि अपन ने सिर्फ लेयर्स लेयर्स लिख दिया अच्छे से तो आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। नहीं, अगर आपने सिर्फ लेयर लिखा है तो आपको 5 नंबर ही मिलेगा, आपके बाकी के 5 नंबर कट जाएंगे। वो 5 नंबर अपने आर्टरी और वेन में होंगे, तो आपको बिल्कुल आर्टरी और वेन्स में लिखना पड़ेगा।